26 सितंबर 1923 में उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्सों के बारे में। देव साहब ने अपने करियर में 104 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। 1948 में प्रदर्शित फिल्म विद्धि देवानंद के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। देव साहब को काले कपड़े बेहद पसंद थे। आर के नारायण के उपन्यास पर बनी फिल्म गाइड आज भी दर्शकों को पसंद है। फिल्म में पहली बार लव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया। ये देवानंद की पहली रंगीन फिल्म थी। 1967 में आई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। हरे रामा हरे कृष्णा में रोमांटिक हीरो पहली बार एक अलग रूप में दर्शकों से रूबरू हुआ। फिल्म एक भाई बहन के प्यार की कहानी की थी। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज भी इस फिल्म को याद किया जाता है। 1958 में आई फिल्म काला पानी एक उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में देवानंद के साथ मधुबाला पहली बार पर्दे पर नजर आई। इसके लिए पहला फिल्म फेयर मिला, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फैशन आइकॉन रहे देवानंद साहब के साथ यूं तो कई किस्से जुड़े हैं, पर सबसे अलग जो किस्सा हर किसी को याद आता है वो है उन पर कोर्ट की ओर से लगी बैन को लेकर, वो सिर्फ कपड़ों को लेकर। जी हां, देवानंद साहब काला कोट कभी नहीं पहन सकते थे क्योंकि इस पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। देवानंद साहब ने एक दौर में वाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर आया जब देवानंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। दरअसल कुछ लड़कियों के उनके काले कोट पहनने के दौरान आत्महत्याएं की घटनाएं सामने आई। ऐसा शायद ही कोई एक्टर हो जिसके लिए इस हद तक दीवानगी देखी गई हो और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा हो। वैसे देवानंद साहब पहली बार जब मुंबई पहुंचे तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। न रहने का ठिकाना था न कोई परिचित। एक छोटे से होटल में सस्ता कमरे लेकर उन्होंने अपना सफर शुरू किया जो इतनी बुलंदियों तक पहुंचा जो बिरलों को ही नसीब होता है। वैसे देवानंद सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिल लगी करने में कभी पीछे नहीं रहे। कई अभिनेत्रियों के साथ अपने रोमांस को लेकर वो चर्चाओं में रहे, फिर चाहे सुरैया हो या जीना तमाम।